संयुक्त मसीही सेवा समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में एमसीबी जिले के 22 सदस्यों की कमेटी का हुआ गठन। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ क्रिश्चियन चर्च आमाखेरवा में संयुक्त मसीह सेवा समिति का सर समिति से चुनाव कराया गया, जो काफी शांति प्रिय ढंग से 22 सदस्य की समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिन, कोषाध्यक्ष, कानूनी सलाहकार, मीडिया प्रभारी आदि पदों का सर समिति ने से प्रदेश अध्यक्ष विजय दादर एवं कोरिया जिलाध्यक्ष रेबोरेन डेविड मार्टिन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। इस संबंध में एमसीबी जिले के अलावा कोरिया जिला, सूरजपुर जिला एवं मध्य प्रदेश से आए सेवकों ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर एमसीबी जिले के सेवकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, एमसीबी जिले के बनने के बाद संयुक्त मसीह सेवा समिति का गठन होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसके चलते आज चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सहभागिता दी, जिसे एक संगठन और समुदाय के लोगों को नई ऊर्जा के साथ निष्ठापूर्वक काम करने में बल मिलेगा, जिसे अपने समाज और अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक आपसी भाईचारा बनाते हुए एक नई मिसाल कायम करने में पूर्णतया सहयोग प्रदान करें। इसी धारणा के साथ सभी लोगों ने शपथ लेते हुए काम को आगे बढ़ाने की अपनी अपनी मंजूरी दी। इस अवसर पर समुदाय के सभी लोगों ने के लिए खाने और पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छे ढंग से की गई थी। आपका नाम? मेरा नाम पास्टर सुशील नाथ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं से हूँ, बिजली से। जी, आप बिजली तो मध्य प्रदेश में आता है, और आज आप जो धार्मिक गीत प्रस्तुत किए हैं मसीह के संबंध में, ये मसीह गीत की प्रेरणा जो आपने सीखी है कहाँ से मिली आपको, जो इतना अच्छा प्रस्तुत किए हैं आप? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जी जी, संगीत से मुझको बचपन से होती है। जी जी, और हर प्रयास करता हूँ कि मेरे गीतों के द्वारा मेरे प्रभु मसीह की महिमा, और इस गीत के द्वारा मैं क्रूस को रख सकूँ, क्रूस के लहू को रख सकूँ, उसके प्रेम को रख सकूँ, जिससे कि समाज में लोग गीत के महत्व को समझ सकें, और उसकी आराधना। मेरा नाम संजीवन लाल है। आज एमसीबी जिले में जो आज मसीह समाज की जो कमेटी है, उसका क्या नाम है? आज जो हमारे यहाँ कमेटी, नव निर्मित कमेटी जो गठित हुई है, एक्चुअल में वो पहले से रजिस्टर्ड है, संस्था है वो छत्तीसगढ़ लेवल में, जो संयुक्त मसीही समाज जो एक संस्था है उससे आज हम लोग ने यहाँ पे जिला एमसीबी के जितने भी जो मसीही समाज के जो लोग हैं उससे आज हम लोग उस कमेटी में विलय हुए हैं। जो कमेटी एमसीबी में बनी, उसका नाम क्या है? संयुक्त मसीही समाज। आप उसके पदाधिकारी बने, किस पद में आप? मैं अध्यक्ष पद पे नव निर्वाचित हुआ हूँ। अध्यक्ष पद आज आपको जनता के द्वारा मिली है, तो आप बताइए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी मसीह समाज के संबंध में? ये सर्वप्रथम पहली प्राथमिकता अभी जो वर्तमान समय में जो हमारे मसीही परिवारों को टारगेट बना के जो उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं और उस षड्यंत्र से कैसे बच सकते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोग का यही उद्देश्य होगा हमारी कमेटी की, कि हम लोग इस ओर में हम लोग काम करें। आज इस कमेटी में किस किस क्षेत्र से लोग आए हैं और कितनी संख्या में आए हैं, उनका मकसद क्या था? नहीं, देखिए, ये जिला एमसीबी के अलावा बैकुंठपुर जिले से और सूरजपुर से, यहाँ तक कि हमारे पास में लगे हुए प्रदेश मध्य प्रदेश, वहाँ से भी लोग आए थे, और सभी का उद्देश्य यही है जो मसीहों के साथ में एकजुटता और अपनी बात शासन प्रशासन से रखना और शांति प्रिय ढंग से अपने जीवन का निर्वहन करना, यही हमारा। आप संगठन को किस रूप में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, संगठन में जो हम लोग का जो मकसद है, शांति प्रिय ढंग से और प्रेम की जो सुसमाचार है, प्रेम का जो भावना है, प्रेम का जो संदेश है, वो हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और आने वाले समय में होली का पर्व है, आप अपने समुदाय द्वारा पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने समुदाय के द्वारा ये देश को संदेश देना चाहेंगे कि भाईचारा और एकता और हमारी देश की अखंडता,
ये बरकरार रहे, यही सबसे हम लोग निवेदन भी करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज की डेट में भाईचारा है जो हमारे देश में बरकरार रहे, हम लोग यही आशा करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं यही सब। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश एक्का है। कोरिया जिले से हटकर आज एनसीबी में एक मुसी समाज का नया गठन हुआ जी। इस गठन का क्या नाम है? इस गठन का नाम है संयुक्त मसीह सेवा समिति। इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल कोर कमेटी में टोटल अपना 22 सदस्य हैं। इसके बाद बाकी जो मेंबर है वो अपना मेंबर में सदस्य में है। अभी तक कोरिया जिले की जो कमेटी थी वो भी एनसीबी के जिले के का भी कारभार देख रही थी, लेकिन आज क्या आवश्यकता हो गई जो एनसीबी में अलग कमेटी बनाई जा रही है? ये कोरिया जिले में ही था, लेकिन एनसीबी बनने के कारण जब जिला के अस्तित्व में आया तो यहाँ के हमारे जो मसीह समाज है, जो जिला होने के कारण में मसीह समाज का ये गठन होने का रही है कि यहाँ अलग जिला गठन होने का, राजस्व जिला अलग होने के कारण यहाँ भी मसीह समाज के संयुक्त गठन की गई है, ताकि यहाँ का जो कार्य हो, जहाँ के मसीह समाज हो संगठित होकर और समाज और अपने विश्वासी के प्रति, चर्च के प्रति अच्छा जागरूक होकर उसके समाज की सेवा कर पाए, इसलिए ऐसा गठन होने की महसूस की गई है और आज गठन की गई है। आप बताइए मसीह समाज के यहाँ गठन होने से क्या मसीह समाज को क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस बारे में बता पाएंगे? मसीह समाज को इसमें लाभ मिलेगा सर कि आने वाले जो बहुत सारे असामाजिक तत्वों की ओर से धर्मांतरण का आरोप बार बार लगाया जा रहा है, प्रलोभन देकर और बहुत सारे बातों पर उनको फंसाया जाता है, इससे मसीह समाज संगठित होकर अपने समाज को संगठित करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मसीह समाज कार्य करेगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अपने ही में से कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा दुरुपयोग नहीं कर रहे। देखिए ऐसा कुछ सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिससे चलते मसीह समाज बदनाम हो रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है सर। वो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो वो बात तत्व से जुड़कर समाज को बदनाम करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी अभी फेसबुक में एक आया है, आपके पास पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन एक बात है, वो धर्म घर में जाके प्रचार कर रहा था और जहाँ पास उसने इतना प्रलोभन दिया जिसके चलते वहाँ मसीह समाज में जो भी उपस्थित थे वहाँ पास हाथापाई तक की स्थिति आई। क्या ऐसी स्थिति क्या आपके एनसीबी जिले में है क्या? नहीं, ऐसे हमारे एनसीबी जिले में नहीं है सर। जहाँ की होगी अगर वहाँ तक खबर नहीं आई है, अगर होता है तो अब यदि उसे जालसाजी करके फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई हमारे मसीह समाज प्रलोभन देता नहीं है। पहली बात तो है किसी को प्रलोभन देकर, पैसे देकर या खाना पीना खिलाकर हम समाज में लाने के लिए नहीं, उनको एक सच्चाई और सही के मार्ग में चलने के लिए समाज ऐसी दिशा और दशा देता है। हमारे ईश्वर का या हमारे यीशु मसीह का यही संदेश है। आप मसीह समाज की तरफ से एनसीबी जिले के तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एनसीबी जिले के ओर से आज जो नव गठित हुई है उसके ओर से यह संदेश देना चाहता हूं कि समाज को एक नई दशा और दिशा की ओर और एक रूपता और समाज को संगठित और एकत्रित करके समाज को बड़ी मजबूत के साथ में देश की सेवा और देश के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, क्योंकि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो उसमें बहुत एक साथ संगठित होकर उसको नई दिशा देकर चले और संगठित होकर चले, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ।